बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अब तो रोज़े जो हैं वो अपने आखिरी इख्तिताम के मराहिल में है, और इसीलिए अब शॉपिंग का दौर द्वारा जो वो स्टार्ट हो चुका है। तो क्या आप हमें कराने वाले हैं? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी शॉपिंग से पहले आपको पता है कि थोड़ा थोड़ा जो है वो एक मंचीज़ वगैरह चलती रहती है, थोड़ा सा लाइटर मूड के ऊपर खाना पीना चलता रहता है। तो आज हम आपको और अपने नाज़रीन को एक ऐसी यूनिक जगह पे लेकर आए हैं कि जो इससे पहले मेरा नहीं ख्याल के आपने इसको ट्राई किया हो। बिल्कुल सर, आपकी जो जगह होती है ना वो बड़ी मतलब सोच समझ कर आप मुझे वहाँ लेकर जाते हैं ढूंढ ढांड के। तो मुझे आज बिल्कुल उम्मीद है कि आज भी बच्चा मुझे किसी ऐसी जगह पर लेकर आया होंगे। तो थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि कहाँ आपको लेकर आया हूँ मैं? आप जहाँ मुझे लेकर आए सर आज, ये मैं गैस कैसे कर सकता हूँ? आप चले बदर जानते हैं। इस सरप्राइज को हम थोड़ा सा तोड़ते हैं और हम अपने नाज़रीन को भी बताते हैं और मैं आपको भी बताता हूँ। नॉर्मली हमारे जितने भी देखने वाले नाज़रीन हैं उन तमाम नाज़रीन ने जो है वो पिज़्ज़ा तो बड़े कहीं ना कहीं ज़रूर इसको खाया होगा, और इतने ज़बरदस्त आउटलेट्स खुल चुके हैं जगह जगह। तो नॉर्मली आपको एक नॉर्मल रूटीन के पिज़्ज़ा जो है वो अब जगह जगह अवेलेबल है। तो हम अब आपको ऐसी जगह पिज़्ज़ा खिलाने के लिए हैं जो कि प्योर इटालियन बेस्ड पिज़्ज़ा जो है वो सर्व कर रहे हैं, और ये आपको किसी गैस ओवन के अंदर जो है वो बेक नहीं किया जाता। ये जो नॉर्मल ब्रिक ओवन जो कि प्योर हीट के साथ जो है उसको बेक किया जाता है। तो हम आपको प्योर इटालियन पिज़्ज़ा खिलाने के लिए लेकर आए हैं ब्रिक ओवन पे। ब्रिक ओवन मतलब हम यहाँ फुटपाथ पर बैठकर इस तरह से पिज़्ज़ा हमें मिलेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपको मज़ा आ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप एक दफ़ा जब खाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि मज़ा आ गया। आए नाज़रीन लेके चलते हैं। मुझे बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पिज़्ज़ा कार्ट आपने स्टार्ट किया, तो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली कि आपने पिज़्ज़ा ब्रिक ओवन जो टेस्ट आप डेवलप करना चाह रहे हैं, जो टेस्ट पर बनाना चाह रहे हैं पब्लिक का, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? देखिए ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ठीक है, आपको मुख्तलिफ आइडियाज़ ऑनलाइन मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की मार्केट में जो है ना ब्रिक ओवन एक ऐसा गैप है जो बाहर चलता है और यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लेकर यहाँ पे आए ताकि लोगों को खिलाए सकते। सर मार्केट में इतने सारे फास्ट फूड अवेलेबल हैं, तो लेकिन आपने फिर भी पिज़्ज़ा ही क्यों सेलेक्ट किया? देखिए पिज़्ज़े की फास्ट फूड बहुत सारे फिंगर्स हैं और ब्रोस हैं बहुत सारे, लेकिन पिज़्ज़ा आपको रोड साइड नहीं मिलेगा, तो आपको जो है वाला कॉन्सेप्ट एक तरीके का डेवलप हो जाएगा यहाँ पे, रोड साइड जो है पिज़्ज़ा भी अवेलेबल है। जो मुझे हसीब यहाँ पे इनकी यूनिकनेस लगती है जो मैं आपकी तरफ से ऐड करना चाह रहा हूँ, जो मुझे यूनिकनेस लग रही है वो ये है कि नॉर्मली जितने भी चेन्स फूड्स जो पिज़्ज़ा ऑफर कर रहे हैं उसमें ब्रिक ओवन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल है शायद ये आपकी एक यूनिकनेस है। बिल्कुल, ब्रिक ओवन में ऑब्वियसली जो अंदर जो सोर्स इस्तेमाल होती है वो वुड की इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। तो एक जब वो पिज़्ज़े के ऊपर टेस्ट आता है, वुड का अरोमा आता है पिज़्ज़े में, तो टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, और ऐसी क्या इंस्पिरेशन थी आपकी कि आपने स्टार्टअप कहाँ से लिया था, इसके बारे में थोड़ा सा हमें सरप्राइज करके बता दीजिए। जिंदगी में किसी ने को कुछ ना कुछ एंकरेज को पकड़ना पड़ता है अगर आपका एक आपका ड्रीम है। बिल्कुल। तो हमने ये अपनी सोसाइटी में स्टार्ट किया था घर से छत से बैठ के ब्रिक ओवन, और हमने अपनी सोसाइटी में बहुत अच्छी मार्केट। कौन सी सोसाइटी में स्टार्ट किया था आपने? नया नासाबाद। नया नासाबाद। हम लोग छत से बेचते थे और माशाल्लाह अच्छा करते थे, तो हमने कहा वहाँ बड़ी लिमिटेड मार्केट है और यहाँ ओपन मार्केट है जी, तो लेट्स स्टार्ट के आप देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक का आपको जो रिस्पॉन्स है वो कैसा मिला है? अच्छा रिस्पॉन्स है। देखिए अभी तो हम डेवलपिंग स्टेज पे हैं। अभी यहाँ पे कितना ड्यूरेशन हो चुका है? हमें तकरीबन यहाँ पे 2 महीने हो गए, और 2 महीने में हमें अच्छा
रिस्पॉन्स मिला है। चले बहुत जबरदस्त। सक्सेसफुल प्रोडक्ट तब होता है जब कस्टमर दोबारा आ रहा हो, तो माशाल्लाह इस तरह के बहुत सारे कस्टमर जो दोबारा आते हैं। तो फिर आप मुझे बताएं कि आज हमें आप ऐसा क्या ट्राई करवाने वाले हैं जिसके बारे में आप अपने ऑडियंस को उसका जो रिव्यू है वो शेयर करें और ताकि लोग यहाँ पर आएँ और आपके ब्रेक ओवन जो पिज़्ज़ा है उसको ट्राई करें। मैं आपको जो है एक अपना मेन्यू दिखाता हूँ। ये है गार्लिक पो पिज़्ज़ा। ओके ये टोटली यूनिक पिज़्ज़ा है, मैंने अभी तक किसी फास्ट फूड चेन में मतलब पिज़्ज़े की चेन में मैंने ये वाला फ्लेवर नहीं देखा। ठीक है ये एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स और ये गार्लिक के बेस से बनता है, वाइट बेस सॉस होता है पिज़्ज़े के ऊपर, वाइट सॉस होता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इसमें यूनिकनेस ये है कि जो नॉर्मल पिज़्ज़ा सॉस यूज किए जाते हैं जी उससे बिल्कुल हट कर इससे बना पिज़्ज़ा, ये वाइट सॉस होता है। नॉर्मली तो आप रेड सॉस में खाते हैं पिज़्ज़ा। तो ये इन्वेंशन आपकी अपनी है? ये इन्वेंशन एक्चुअली बाहर के मुल्कों में तो चलता रहता है। तो ये ट्रेंड आपने यहां पे इंट्रोड्यूस करवाया? हो सकता है कि और भी कोई कर रहा हो, मुझे इनमें नहीं है, लेकिन अभी तक तो मैंने ये नहीं खाया है। और ब्रेक ओवन सुप्रीम, ब्रेक ओवन सुप्रीम में हमारा रेड सॉस डलता है। ओके और वो थोड़ा सा मतलब क्रीमी टच आपको पिज्जा में मिलेगा। क्रीमी टच, तो क्रीमी तो आप ऐसे पसंद कर रहे हैं क्योंकि स्पाइस आपको पसंद नहीं है। जबरदस्त। ठीक है, तो आप ये दो जो पिज़्ज़ास हैं जो आपकी स्पेशलिटी में, आप इनको रेडी करवाएं हमारे लिए ताकि हमारे ऑडियंस के साथ हम इसको शेयर। थैंक यू सो मच। आपने अपना नाम भी बताया मुझे। उज़ैफा नाम है मेरा, सैयद उज़ैफा शाह। ये उज़ैफा भाई है जिनका ये कार्ड है और हम इसको खाएंगे, उसके बाद रिव्यू करेंगे शेयर आपके साथ और इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। थैंक यू जी। नसीब हमारा पहला पिज़्ज़ा जो है रेडी होके आ चुका है और ये देखें ये बिल्कुल डी शेप में है और इसकी खासियत कि इसके साथ ये हमारा जो पिज़्ज़ा है, मैं पहले आपको बता दूं कि हमारा गार्लिक पो पिज़्ज़ा के नाम से है जो कि क्रीमी टेक्सचर के साथ है और जो आपको जैसे स्पाइस ज़्यादा पसंद नहीं है तो ये उन लोगों के लिए, इसमें श्रेड चिकन का इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ चंक, इसमें यूज़ नहीं किए जाते, इसकी स्पेशलिटी ये। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, साथ में इसके लिए बटर दिया जाता है जो कि एक ख़ास अरोमा आपको आपके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है भट्ट साहब, मतलब बहुत तारीफ हो गई, मुझे आप दिल से देना इजाजत दें तो मैं इसको शुरू। जनाब ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस ब्रिक ओवन पिज्जा की खासियत ये है कि ये बहुत थिन होता है, ये आप इसके ऊपर बटर डालें और इसको ट्राई करें। बटर डाल के ट्राई करते हैं भट्ट साहब, इतनी तारीफ कर दी है। ये देखें जनाब, ये इसका चीज़े का टेक्सचर देखें। ओए होए होए जनाब, ये आ गया बटर। आप बटर बटर करें भट्ट साहब, पिज़्ज़ा ट्राई करें। ये देख, ये देख, इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। ये देखिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी वाओ वाला फैक्टर मौजूद है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल भट्ट साहब, जैसे भट्ट साहब ने कहा था कि ऐसा पिज्जा नहीं खाया होगा, वाकई मैंने ऐसा पिज्जा नहीं खाया भट्ट साहब। अच्छा, इसमें जैसे कि आप ज्यादा स्पाइस पसंद नहीं करते, लेकिन हम अगर स्पाइस लेना चाहें उसमें स्प्रिंकल किया जा सकता है। और ये आ गया जनाब, ये देखिए मेरे लिए भट्ट साहब कर सकते हैं स्प्रिंकल मेरे लिए। ये तो ये देख, ओए होए होए, यकीन करें जो उसमें हमने ये बटर डाला ना, उसके बाद लेवल ही कुछ और हो गया भट्ट साहब, मतलब लेवल गेम ऑन है। ये देख, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि हमारे जो खान साहब हैं उन्होंने इसको मिस किया। मैं इसको यकीन करें इतना लाइट है कि मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मैंने कोई बहुत ही हैवी चीज खाई है। इसका आप देखें दूसरी टॉपिंग है, इसमें आपको फ्रेड चिकन मिलेगा, इसका डो इतना थिन है, फिर इसके अलावा जो है
बट सर सॉफ्ट है, मतलब बहुत जैसे आप बता रहे ना सॉफ्ट है ये, जैसे नॉर्मली हम पिज्जा अगर बड़े ब्रांड का भी खाते हैं ना तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये इसकी सॉफ्टनेस आप फील कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो बटर इसके साथ दिया गया है जो कि इसके साथ डिप इन जरूरी है क्योंकि इसका जो टेक्सचर है उसका अरोमा जो है वो हम इसको इंजॉय कर सकते हैं। सेकेंडली हमारा जो सेकेंड पिज्जा है वो भी आ चुका है, बट इसको विदाउट बटर खाएंगे, इसको हम विदाउट बटर खाएंगे। और इस पिज्जे का जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये है द ब्रिक अवन सुप्रीम, ये इनकी स्पेशलिटी है, ये दोनों इनकी स्पेशल है, ये तो स्पेशल है बाकी अब ये हम सागर बता सकते हैं व्हाट्सएप पे ये कितना स्पेशल। अच्छा ये आप इसका जो पिज्जा है वो सबसे पहले मैं आपको देता हूँ, बिस्मिल्लाह, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है स्पाइस होने वाला है, ये मैं खाकर बताऊंगा। अच्छा ये देखिए, ये आपने ये चीज नोट की है कि इसके अंदर कुछ चंक्स यूज नहीं किए गए चिकन के, इसके अंदर जो शेड चिकन है वो यूज किया गया है, ये ऑलिव की टॉपिंग है वो आपको नजर आ रही है, ये एलपिनो है, इसके अलावा ये जो क्रीमी टेक्सचर आपको नजर आ रहा है, और जो इसके अंदर जो सॉस यूज किया जाता है वो नॉर्मल पिज्जा से हट के जो नॉर्मल पिज्जा सॉस है वो यूज नहीं हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर जो बेस है वो एक खास इनकी मैरिनेशन ऑलिव ऑयल के साथ इसको मैरिनेट किया जाता है, और इसकी मैरिनेशन तो हमारे नाज़रीन देख ही चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब मैं इसको ट्राई करने जा रहा हूँ। भट्टा पिज्जा ट्राई कर रहे हैं, इसका जो जैसा कि ये जो स्पाइस है भट्टा, इन्होंने इसके ऊपर भी स्पाइस स्प्रिंकल किया हुआ है, ऐसा ही है, इसमें स्प्रिंकल नहीं है, मैं बिल्कुल ऊपर जैसे आप बिल्कुल एक जैम फॉर्म में पेस्ट कर लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको यूज किया गया, लेकिन यकीन करें ये अलग लेवल है। पर साहब आप कुछ भी बोले पिज्जा नंबर ले गए भाई, ये बहुत हाईली रिकमेंडेड है, आपको एटलीस्ट एक दफा तो ट्राई करना चाहिए, कॉस्ट बहुत नॉमिनल है, इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं है, क्योंकि जितनी कॉस्ट में आप दूसरे पिज्जा ट्राई करते हैं तो मैं आई वुड सजेस्ट कि आप एक दफा जरूर यहाँ पे आए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको कोई थोड़े दिन या कुछ दिन हुए इनको स्टार्ट हुए, ये ऑलरेडी पाइनियर्स हैं इसमें, क्योंकि ऑलरेडी नया नाज़माबाद में फ्रॉम होम कुकिंग ये सर्विंग जो है वो सर्व कर रहे थे, ये इनका नया एक्सपेरिमेंट है, तो दो मंथ इनको हो चुके हैं ये जो कि नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक एच में, वेरी नेक्स्ट टू मज़ेदार हलीम इनका कार्ड मौजूद है, और बहुत यूनिक कार्ड है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ये आपको अलग ही नज़र आ जाएगा, अलग ही आपको एक खूबसूरत सा कार्ड बना हुआ नज़र आ जाएगा, जहाँ हमारे उजाफा भाई आपको दूर से नजर आ जाएगी खूबसूरत आदमी है। खाने में भट्ट साहब इतने मसरूफ हो गए कि हमने इसके प्राइसेस और इनकी टाइमिंग तो बताई नहीं, बिल्कुल तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमने ऑर्डर किया था इसमें तीन कैटेगरीज है, इसमें एक लार्ज है, एक डी शेप है, और एक क्वार्टर टू स्लाइसेस। तो हमने जो ऑर्डर किया था वो डी शेप किया था, डी शेप की जो प्राइस है वो 750 रुपीज़ है, और अगर आप इसी का लार्ज मंगवाते हैं जो कि फुल होगा उसकी प्राइस 900 रुपीज़ है, और अगर इसी का आप टू स्लाइस मंगवाते हैं तो वो 450 रुपीज़ का। और टाइमिंग्स से ज़्यादा अगर आपने कहा है तो टाइमिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, रमज़ानों में अगर आप आते हैं तो ये 9 PM से 12:30 AM यानी कि तकरीबन 3.5 घंटे तक आपको ये अवेलेबल होगा, और नॉर्मल डेज में जो रमज़ान से हट के अगर आप हमें तशरीफ लाते हैं तो फिर ये 8 to 12:30 है, यानी रात 8 बजे से रात 12:30 बजे। तो आपकी क्या राय है उसके बारे में? अच्छा मेरी राय तो ये है कि पिज्ज़ा हाईली रिकमेंडेड है, पर मतलब ये लाइट है, आप इसको खाके हैवी नहीं हो जाते, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको हैवी फील हो रहा हो या कोई टेस्ट आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी का इशू हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, और बहुत लाइट है, टेस्ट जो है ना इसका वो वेरी डिफरेंट। आप यकीन करिए जो मुझे इसका डो है ना वो मुझे याद दिला रहा है कि अफगानी जो नान नहीं होते जो खजूर के पेस्ट में बेसिकली डो बनाया जाता है, ये मुझे उसकी याद दिला रहा है, और वो इतने लाइट होते हैं। अच्छा अफगानी नान की आपको तंदूर की वजह से तो याद नहीं आ रहा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनकी रोटियाँ भी बिल्कुल इसी तरह जो है वो तंदूर में लगाई जाती है। अच्छा अफगानिस्तान पहुँच गए, बिल्कुल आप इसको एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जब आप एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो अगली दफ़ा आप खुद आएंगे, मेरी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होगी, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आपकी तरफ से? मेरी तरफ से डबल थम्स अप है, तो आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही,
क्योंकि बाकी पिज्जा जो है वो हमारी टीम भी इसको वेट कर रही है। तो आज के लिए इतना ही, खाकर की टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने की बात। अल्लाह।